तो जैसा कि आपके पास 3x3 के डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो डिटरमिनेंट को सिंपली एक्सपेंड कर देना है। सारी एंट्रीज आपको पता है, तो किसके अबाउट खोला जाए, किसी के अबाउट खोल दीजिए, सारी सारे रो या किसी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट को, तो यू गेट द सेम वैल्यू। तो चलिए हम लोग से C1 के अबाउट खोल देते हैं। तो एक्सपेंडिंग, चलिए या तो R1 के अबाउट खोल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक्सपेंडिंग अबाउट R1 क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस, प्लस आता है ना, आप को फैक्टर के साइन लेते हो है ना, बाकी माइनर लिखते हो आप, खैर, तो +3, फिर आपकी 2x2 की डिटरमिनेंट आएगी, ये एंट्री जिस रो में है वो रो क्लोज जाएगी और जिस कॉलम में है वो कॉलम क्लोज हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा आपके पास, 1, 3, -2 और 1, माइनस एंड -4 टाइम्स माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब जिस कॉलम में है ये कॉलम बंद हो जाएगा, रो तो पहले से बंद है ना, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, -2, 1, 1, 2, -2, 1, एंड देन +5 टाइम्स, अब ये जिस कॉलम में वो कॉलम बंद और रो तो बंद है, 1, 2 और 1, 3 हो जाएगा, 1, 2 और 1, 3। अब रही बात आपकी 2x2 डिटर्मिनेंट के सॉल्व करने की, तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑफ डायगनल, मतलब 1 1 जा 1, माइनस माइनस का 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 1 माइनस -4, फिर प्लस का 5 और 3 -2 हो गया। आराम से आप पूरा लिखिए, शुरू में जब आप कर रहे होते हैं, बाद में आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लिया करिए। ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, माइनस प्लस और 1 प्लस 4 5, प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। अब कितना आ गया आपके पास, 21 और प्लस का 20 और प्लस का 5 हो गया, ठीक है। तो ये 25 प्लस 21 कितना हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।